हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेटिंग यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक हुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई एक बार आवाज़ के बारे में बता दो जल्दी से और फिर सेशन को शुरू करते हैं। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। लगातार तीन से क्लास नंबर चार है आपकी, चौथी क्लास है। इससे पहले तीन क्लास में जो भी SSC GD CGL CHSL CPO यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसको मेंशन कर देते हैं। CPO MTS और भी जो पेपर है उनके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, वेटिकन इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो HSSC हरियाणा के अंदर जो 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं ग्रुप डी के आधार पर, जो सीधी पोस्ट भरी जाएंगी उसको आप, उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये लगा लो उस वैकेंसी को ही ज्वाइन कर सकते हो जब आप बैच को ज्वाइन करोगे। ये बैच आपका क्लास रूम से लाइव चलेगा, ठीक है। बैच का नाम भी ऐसा है, मतलब बहुत खतरनाक टाइप से रखा है भाई, विश्वास बैच। PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली जूम सेशन होगा, वीकली डाउट लिए जाएंगे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होगा और इसका प्राइस रहने वाला है 1199। तो जिस बच्चे ने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाके एनरोल कर ले भाई, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है, चलो चलो आवाज़ क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। चलो सीधा सा अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर सबसे रिलेटेड करंट भी बता देना। सबसे रिलेटेड करंट के लिए रात को 10 से 11 ज्वाइन करें। करंट अफेयर की क्लास 10 से 11 होगी, 10 से 11 बजे होगी भाई रात को। निम्नलिखित में किस राज्य में भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है भाई। कहाँ के अंदर, किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर आपका एक शिव पार्वती मंदिर है भाई, ये आपका शिव पार्वती मंदिर है। शिव पार्वती मंदिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। और माता पार्वती के विशिष्ट स्थानों में से, माता पार्वती के जो 18 विशिष्ट स्थान है, 18 पवित्र स्थान माने जाते हैं, उनमें से एक है आपका भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर। और ये मंदिर आपका कौन से धर्म से? शिव पार्वती मंदिर है। और इसका कहाँ पे निर्माण किया गया भाई? आंध्र प्रदेश के अंदर इसका निर्माण किया गया है। भारत में जो ज़्यादातर मंदिर आपके साउथ इंडिया में बने हुए हैं वो द्रविड़न शैली से बने हुए मंदिर है। कौन सी शैली से बने हुए मंदिर हैं? द्रविड़न शैली। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, भारत में द्रविड़न शैली की शुरुआत, भारत में द्रविड़न मंदिर शैली, द्रविड़न शैली की शुरुआत, द्रविड़न शैली की शुरुआत कौन से राजवंश के द्वारा की गई थी? द्रविड़न शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या आंसर दोगे, कौन सा राजवंश होगा? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए द्रविड़न शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पता है? नहीं पता। प्रसिद्ध चीनी यात्री, प्रसिद्ध SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट है सर ये क्लास। हाँ बिल्कुल, अरे उसी के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हें पता नहीं जिंदगी में ये कब समझ में आएगा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के तो सोमवीर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन स्वांग, हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस इन ट्रेवलर्स, यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हवेन स्वांग को। क्या कहा जाता है? हवेन स्वांग। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? इसको करंट शाक्य मुनि भी बोलते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। भारत में किस पर्पज से आए थे भैया? भारत के अंदर हवेन स्वांग बुद्ध धर्म के ग्रंथ इकट्ठे करने आए थे। इसके अलावा भारत में बुद्ध एक बुद्धिस्ट टेम्पल बोल लो आप, इसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आया था हवेन स्वांग, यात्रियों का सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना, यात्रियों में राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि इसको कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, बार 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 पेपर पूछी जाती है। पुस्तक का क्या नाम है? CU की। क्या नाम है? CU की इस पुस्तक का नाम है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? CU की। एक भी बच्चे ने जो मैंने क्वेश्चन पिछले पेज पे दिया था उसका सही आंसर नहीं दिया है अब तक। जो दो चार कमेंट आए हैं, पहली बात तो उस कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आंसर नहीं पता और बाकी कमेंट करते नहीं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिस डायनेस्टी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी उस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम मैं आपको बता देता हूं, सिंह विष्णु के द्वारा उस डायनेस्टी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। CU की किसके दरबार में भाई? हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच में था भाई, 606 से 647 AD के बीच में इसका रूलिंग पीरियड था। इसने अपनी कैपिटल राजधानी किसको बना रखा था? थानेश्वर को अपनी राजधानी बना रखा था।
बाद में ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करके बाद में कहां पे ले गया था, कन्नौज के अंदर बाद में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करके ले गया था। ठीक है, हर्षवर्धन से याद रखेगा, ये भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहलाता है। भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कौन है? लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया, अंतिम महान हिंदू शासक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है भाई? आपका हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन किस धर्म के अंदर मानता था, किस रिलीजन के अंदर बिलीव करता था? तो याद रखना भाई, वो आपका बौद्ध धर्म के अंदर माना करता। हर्षवर्धन को कौन से शब्द का जनक माना जाता है? पिनाकी चंद्र घोष बने थे भारत के पहले लोकपाल। लोकपाल शब्द का जनक किसको माना जाता है? 2019 में भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। लोकपाल शब्द के जनक माने जाते हैं भाई, किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। ठीक है, तो जो लास्ट आंसर आपने नहीं दिया, भारत में द्रविड़न शैली की शुरुआत पल्लव डायनेस्टी के द्वारा की गई थी। कौन सा राजवंश था? पल्लव राजवंश। और पल्लव राजवंश के फाउंडर का क्या नाम था? पल्लव डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप उसका आंसर दोगे, वो स्थापना की गई थी भाई सिंह विष्णु के द्वारा। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और द्रविड़न शैली भी भारत में पल्लव डायनेस्टी ही लेकर आए थे, पल्लव राजवंश ही लेकर आया था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, लोकपाल शब्द का जनक है, राजधानी पहले थानेश्वर थी, हरियाणा में, बाद में कहां ले गया? कन्नौज। 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। अवेन स्वांग आया था भारत में। अवेन स्वांग की पुस्तक क्या है? सीयू की। वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहते हैं? अवेन स्वांग को। यात्रियों में प्यारा राजकुमार किसे कहा जाता है? वो भी कौन है? अवेन स्वांग है। ये सारे पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? एक बार ध्यान रखना एक बात, शशांक बहुत खतरनाक लड़का था। कैसे खतरनाक था? क्योंकि ये किसका भगत था? भगवान शिव का भगत था भाई, भगवान शिव। कहां का शासक था ये? गोड नरेश। गोड प्लेस आपका कहां पे पड़ता है? गोड प्लेस आपका पड़ता है बंगाल के अंदर। कहां पे पड़ता है? बंगाल के अंदर गोड स्थान है। बंगाल में राजा शशांक बंगाल का शासक था, गोड नरेश था। ये भगवान शिव का पुजारी था और इसने जो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था भाई? बोधि वृक्ष को कटवाने का काम किया था शशांक ने। अब देखो, ये गोड राजवंश का शासक था, इसके किसके विरुद्ध युद्ध हुआ? हर्षवर्धन के विरुद्ध। ऐसा क्यों हुआ भाई? हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या करने का काम किसने किया था? हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या करने का काम किया था राजा शशांक ने। कौन से राजा ने किया था? शशांक राजा ने किया था। इस वजह से दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगी और हर्षवर्धन डिफीट कर देगा। हर्षवर्धन शशांक को डिफीट करके पूरे उत्तर भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। उत्तर भारत के साथ साथ इंक्लूडिंग बंगाल, बिहार, बंगाल के क्षेत्र पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल बिहार के क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा कायम करने में सफलता हासिल करेगा। कौन हासिल करेगा भाई? हर्षवर्धन। कौन हासिल करेगा? हर्षवर्धन। एक बात और ध्यान रखना, हर्षवर्धन का दरबारी कौन है भाई? हर्षवर्धन का दरबारी है जिसका नाम है बाण भट्ट। क्या नाम है? बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक कौन कौन सी है? अरसचरित है, और अरसचरित के अलावा और कौन सी है? दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? बाण भट्ट और अरसचरित के अलावा दूसरी पुस्तक है भाई उसकी कादंबरी। कादंबरी और अरसचरित, ये दो पुस्तकें बाण भट्ट की। हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक था। इसकी पुस्तक कौन सी है? रत्नावली है, प्रियदशिका है, रत्नावली है और नागानंद है। नागानंद नागदशिका, नागानंद नागदशिका या रत्नावली, नागानंद प्रियदशिका या रत्नावली, ये तीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? हर्षवर्धन के द्वारा ये तीन पुस्तकें लिखी गई हैं। दरबारी बाण भट्ट है, बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित और कादंबरी है, हर्षचरित और कादंबरी है। पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन को मारा, अरे नहीं मारा नहीं, क्या बकवास कर रहे हो, मारा नहीं, हराया था, मारा नहीं। इतने बहरे मत बनो मेरे भाई, ठीक ठाक लगा लो, मारा नहीं था, हराया था। ठीक है, चलो आगे, कहीं जिक्र नहीं लग नहीं रहा मेरे को, कहीं जिक्र आएगा तो पुलकेशिन द्वितीय को हमें यही निपटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो पुलकेशिन द्वितीय ये एक शासक है, पुलकेशिन द्वितीय शासक है। कौन से वंश का? चालुक्य वातापी वंश का शासक है, चालुक्य वातापी वंश का शासक है। इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है एओल अभिलेख, एरोन इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है, जो किसके द्वारा लिखवाए गए थे? रवि कीर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? रवि कीर्ति दरबारी था इसका, रवि कीर्ति इसका दरबारी था, उसके द्वारा लिखवाए गए थे। इन अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अरश को हराया।
जब अरश दक्षिण भारत पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो इसने अरश को हरा दिया था। कौन सी नदी के तट पे हरा था भाई? नर्मदा नदी के तट पे हरा था। और इनकी जानकारी अहोल अभिलेखों से हमें मिलती है। कौन से अभिलेखों से मिलती है? अहोल अभिलेखों से। इसके बारे में कि भाई जब हर्षवर्धन ने पूरे के पूरे हर्षवर्धन के द्वारा पूरे उत्तर भारत को जीत लिया गया, वो दक्षिण भारत की तरफ जाने लगा, तो एक नदी पड़ती है विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करने के बाद, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर आमने सामने का मुकाबला हुआ पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य वातापी वंश का राजा था, और इसके इसने हराया उसको। अब हराने के बाद अपनी गाथा तो सब लिखते हैं भाई, लिखा उसने। उसके दरबारी का नाम था रविकीर्ति। रविकीर्ति से अहोल अभिलेख लिखवाए। अहोल अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी हासिल होती है। ठीक है, चालुक्य में वातापी वंश क्यों लिखा हमने? क्योंकि जिन चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी थी उन्हें ही वातापी के चालुक्य कहा जाता है। साउथ इंडिया में चालुक्य कई प्रकार के होंगे, लेकिन वातापी के चालुक्य कौन से हैं जिनकी राजधानी वातापी थी? पुलकेशिन को नरसिंह वर्मन ने हराया। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अभी छोड़ दो, हर्षवर्धन का जिक्र था। ज्यादा व्यक्ति को हराने वराने में लग गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा सारी चीजों का। जो पांच चार पॉइंट याद हुए वो भी भूल जाओगे, है ना। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हु इज फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? था गोपाला। कौन था भाई? गोपाला। ठीक है, गोपाला पाल डायनेस्टी का पहला शासक था। पाल डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, प्रमुख शासक कौन सा था? प्रमुख शासक था धर्मपाल। कौन सा था भाई? इंपॉर्टेंट रूलर का क्या नाम था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों कराया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति का स्तर गिरने के कारण। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप का स्तर, छात्रवृत्ति का स्तर गिरने के कारण स्कॉलरशिप का लेवल लो होता जा रहा था, स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी बहुत ढंग से, तो छात्रवृत्ति का स्तर नीचे गिरने के कारण नालंदा यूनिवर्सिटी के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। किसने बनवाई थी भाई? धर्मपाल ने। धर्मपाल प्रमुख शासक था कौन से वंश का? पाल वंश का। लेकिन इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक का नाम याद रखना भाई, संस्थापक कौन है? वो गोपाल है। ठीक है, पाल डायनेस्टी एक चीज के लिए और फेमस है। जब अरश मर गया, हरश की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में, तो कन्नौज खाली हो गया भाई। हरश का अपना कोई बेटा नहीं था तो कन्नौज खाली हो गया। कन्नौज को लेकर क्या देखने को मिलेगा? कन्नौज को लेकर आसपास के लोगों के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसे इतिहास क्या कहता है? ट्राइप्लेट स्ट्रगल, ट्राइप्लेट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए तीन पक्षों में संघर्ष होगा भाई। वो तीन पक्ष कौन कौन से हैं? वो तीन पक्ष मैं आपको यहां पे बता देता हूं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल होंगे, प्रतिहार होंगे और राष्ट्रकूट होंगे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये संघर्ष करेंगे, कन्नौज के ट्राइबल स्ट्रगल के अंदर भाग लेंगे, लेकिन पाल इनमें कभी नहीं जीत पाएंगे। और पालों में कौन भाग लेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस यहां पे जो लिखा है उसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि धर्मपाल भाग लेगा। कौन भाग लेगा? धर्मपाल भाग लेगा। इनमें जीतेगा कौन, अगला एपिसोड देखते रहिए जानने के लिए, है ना। इसके लिए अभी क्वेश्चंस और भी हैं, देखते रहिए कंटिन्यूटी में, लगातार देखते रहिए भाई, एक ही क्वेश्चन में सारे नहीं निपटा रहे। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अरे ये तो क्वेश्चन अपना मिलता जुलता आ गया, ये अभी अभी तो कराया हमने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी। कनिष्क, अरे ये तो को तो जानते होगे ना, फैमिली मेंबर, 78 AD। अरे वही जिसने किस पे कब्जा कर लिया था? सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया, रेशम मार्ग का निर्माण कराने वाला, रेशम मार्ग पर चीन, ऐसा भारत का शासक जिन्हें चीन पे भी कब्जा कर लिया। कनिष्क आंसर तो आप जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं फोकस कर रहा। धर्मपाल, क्या नाम है? धर्मपाल। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारा बता दिया, कनिष्क के बारे में कम बताया है। 78 AD में रेशम मार्ग पे कब्जा किया था। इसके अलावा 78 AD में ही कौन सी संवत चलाई गई थी? शक संवत चलाई गई थी। शक संवत भारत का क्या है? नेशनल कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पंचांग? कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपना लिया गया था, 1957 में भारत का नेशनल कैलेंडर। कनिष्क के समय में सर्वाधिक सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में चले थे? प्योर, मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे भाई? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, याद रखना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में चले थे।
धर्मपाल बता दिया, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने दे दी। कनिष्क के समय में और क्या हुआ था? कनिष्क के समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे, किसके समय में किया गया था? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी भाई, कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यह पॉइंट आपने ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। नौवीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अरे फिर से ये डाल दिया गया, कितनी बार ये मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट हो गया लगातार दो बार, धर्मपाल, हाँ नौवीं शताब्दी में, ये टाइमिंग याद रख लेना। चलो, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की थी? अशोक ने, अशोक तो मौर्य साम्राज्य का था। कृष्ण फर्स्ट ने की थी, अमोघ वर्ष ने की थी या दंती दुर्ग ने की थी? मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा जो राष्ट्र है ना वो एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो हमारे कृषि प्रधान राष्ट्र के अंदर लोग कहाँ पे जाते हैं? खेतों में जाते हैं, ठीक है, खेतों में खाली जाके क्या करेंगे? खेतों में किसका यूज होता है? दंती का यूज होता है। तो भाई यहां पर जो इस राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर है ना, उनका नाम क्या है? इनके फाउंडर का नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है? फाउंडर का नाम क्या भाई? दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग इस डायनेस्टी के फाउंडर है। खेत में जाते हैं तो मान्य खेत क्या है? मान्य खेत महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसको राष्ट्रकूटों ने क्या बनाया था? अपनी कैपिटल। राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी? मान्य खेत थी। क्या थी भाई? मान्य खेत। 24K गोल्ड था क्या? अरे 24K गोल्ड नहीं होता भाई, थोड़ी बहुत तो मिलावट करनी पड़ती है, ऐसे असली सुनार मत बनाओ कृष्ण को, ठीक था, कोई बात नहीं यार, हल्की फुल्की सीरियस ना लिया करो तुम, 24K गोल्ड पे पहुंच गए सीधा का सीधा, ठीक है, 24 कैरेट नहीं था। दंती दुर्ग फाउंडर हैं, कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर हैं भाई? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जो ये शासक है ना कृष्ण प्रथम, इसने क्या किया था? इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण फर्स्ट ने। एक ही चट्टान को काट के, इसकी विशेषता क्या कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर है ये। एक चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा है ये आपका ध्यान रखेगा, कैलाश मंदिर है एलोरा का, ठीक है। राष्ट्रकूटों का योगदान और किस में है? अजंता और एलोरा की गुफाओं में निर्माण में योगदान था भाई इनका, ठीक है, निर्माण में योगदान आप समझ गए होगे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अजंता एलोरा जो केव्स हैं जिनकी संख्या 34 है, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में अजंता एलोरा की गुफाओं को कब शामिल किया गया? इसी प्रकार के क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो रहे हैं आजकल पेपर में, ये क्वेश्चन ही वो है, बाकी सारे क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लग रहा है सब करके आ रहे हैं, यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन बन रहे हैं जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होके दे रहे, ठीक है। फला व्यक्ति को कब भारत रत्न मिल गया, इस व्यक्ति ये आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं कब जोड़ दी गई, कोई और साइट पूछ लेगा कौन से ईयर में जोड़ी गई, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सारी की सारी हम एक दिन याद नहीं कर सकते। अब इनका एक ही तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक एक दो दो को पकड़ो साइड में ले जाओ, उसको याद करो और छोड़ दो, ठीक है। एक एक दो दो को पकड़ना पड़ेगा, उसको साइड में ले जाना पड़ेगा, एक दो थप्पड़ मारने पड़ेंगे, उसको याद करना पड़ेगा, बाकी को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। 1981, अरे नाम बड़े खतरनाक लेके आते हो तुम ये यूट्यूब पे, घर वालों ने तो ऐसे नाम नहीं रखे होंगे, काली चप्पल ने कमेंट किया भाई, विजय राठी 1983, ठीक है भाई 1983 बिल्कुल ठीक आंसर है। 1981 से तो कोई भी नहीं मिला था बेटा, 1983 बिल्कुल सही है, 1983 बिल्कुल सही आंसर है। चलो, मिहिर बोझ कौन सी डायनेस्टी के शासक थे? चोला एम्पायर के थे चालुक्य राष्ट्रकूट या प्रतियार वंश के शासक थे मिहिर बोझ कौन सी डायनेस्टी के शासक थे भाई? कई बार आया है मेरे ख्याल से, अब की बार सीजीएल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सीएचएसएल के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, मिहिर बोझ से संबंधित प्रतियार वंश के शासक थे। अगर
कभी भी आपसे ये पूछेगा ना, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, देखो प्रतियार वंश का एक शासक और नोट कर लेना, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड, ठीक है, नागभट्ट सेकंड और मीरभोज, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, हर पेपर का रिकॉर्ड हो गया है आपका, बार 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 रिपीट आता है। कन्नौज का जो ट्राइबलेट संकल हुआ था, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, मैंने कहा था जुड़े रहिएगा, बताऊंगा मैं आपको। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष का जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच के अंदर कौन जीता था, फाइनल मैच के अंदर प्रतियार जीत गए थे। जैसे इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गुज्जर प्रतियार भी कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर हरियाणा का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, जैसे कोई हरियाणा का एग्जाम दे रहा है तो पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा पे किसका शासक था, थानेश्वर का शासक, थानेश्वर में यानी हरश का शासक था, हरश की मृत्यु के बाद हरियाणा पे किसने शासन किया, प्रतियार ने। क्यों? क्योंकि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कौन जीत गया, कन्नौज का ट्राइपलेक्ट जीत गए प्रतियार, तो इनका हरियाणा तक दबदबा फैला। इन्हें हरियाणा में गुज्जर प्रतिहार कहा करते थे, क्या कहा करते थे, गुज्जर प्रतिहार के नाम से जाना करते थे। दो शासक महत्वपूर्ण है, एक तो नागभट्ट द्वितीय है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ भाई, सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम था मिहिरभोज। क्या नाम था, मिहिरभोज सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके फाउंडर्स के रूप में किसको देखा जाता है, ये कौन है भाई आपके, नागभट्ट द्वितीय है। कौन से द्वितीय है, नागभट्ट द्वितीय है, ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट के बारे में बात होगी है, चालुक्य डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, चालुक्य वातापी के चालुक्य हमने पढ़े, चोल मेरे ख्याल से अभी आएंगे, इनको भी देख लेंगे, इनको भी अभी देख लेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, कंदरिया, अरे देवगढ़ झांसी में भारत का पहला मंदिर, दशावतार मंदिर, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, अरे औरंगजेब की गुफा, कबर गुफा कह रहा हूँ, और ये मोढ़ेरा, मोढ़ेरा उत्तर प्रदेश वाला, खजुराहो के अंदर, कंजरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये आपका खजुराहो के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। ये मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे, ये मंदिर आपके चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर हैं, चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर हैं ये, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए, चंदेल शासकों ने बनाए थे, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। कौन सी शैली से बनाए गए भाई, पंचायतन शैली के द्वारा, पंचायतन शैली से बने मंदिर हैं, पंचायतन शैली से बने मंदिर हैं भाई, खजुराहो के मंदिर, कौन से मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर, ठीक है। कंदरिया महादेव ये किस भगवान से संबंधित है, तो ये भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है भाई खजुराहो के मंदिर, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी। औरंगाबाद आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर, 1857 से पहले हरियाणा यूपी का पार्ट होता था क्या सर, 1858 से तो पंजाब का होता था, अपना कोई स्टैंड था नहीं हरियाणा का, या नहीं था, कभी बने पंजाब का होता था, कभी यूपी का होता था, क्या कह रहे हो, ठीक है, ठीक है भाई, चलो नहीं होता था। कंबोडिया में अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, कंबोडिया में अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था। देखो कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेने, आपने कहा था, एक बच्चा कह रहा था कि आप करंट अफेयर का भी इसी के साथ बता देना, नोम पेने, ठीक है। कंबोडिया 10वां सदस्य था, कौन किसका 10वां सदस्य था, जिसके अब 11 सदस्य हो गए हैं, किसके 11 सदस्य हो गए अब, आशियान, ठीक है। कंबोडिया आशियान का, आशियान 2022 की बैठक कहाँ हुई है, आशियान 2022 की बैठक कहाँ हुई है, कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है भाई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आपका अंकोरवाट का मंदिर है, और यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंदर, 12th सेंचुरी के अंदर, 12वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर बनवाया गया था, 12वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर बनवाया गया था। कंबोडिया विशेष रूप से अब कौन से धर्म के लिए जाने जाने वाला देश है, कंबोडिया बौद्ध धर्म के लिए जाने जाने वाला देश है, बौद्ध धर्म के लिए जाने वाला देश है, ठीक है। हाँ सही भाई, शाबाश। हाँ वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, क्या एस्टेब्लिश हो गया 1987 में, अरे 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में कंबोडिया इसका मेंबर बना था, 1987 में कुछ एस्टेब्लिश नहीं हुआ, कहीं कोई लिख के बैठ जाए। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है, कांचीपुरम में है, रामेश्वरम में है, तंजावुर में है या मदुरई में है। देखो मदुरई आपका
विंगाई नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? विंगाई नदी के तट पे स्थित एक शहर है और ये तमिलनाडु के अंदर है। इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, त्योहारों की नगरी कहा जाता है। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिरों की बात हुई ना, तो बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तंजावुर के अंदर है भाई। तंजावुर आपकी चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, चोला डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी भाई। चोल एम्पायर की कैपिटल होता थी तंजावुर, ठीक है। तंजावुर थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कंडांगी साड़ियाँ, ठीक है, कंडांगी साड़ियाँ सुनी होगी। क्या मिला था? GI टैग मिला था। ये तंजावुर की भी कंडांगी साड़ियाँ भी फेमस है। कांचीपुरम की कंडांगी साड़ियाँ भी क्या है? फेमस है। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? कांचीपुरम के कैलाश मंदिर पल्लवों के द्वारा निर्मित थे, ठीक है। रामेश्वरम, अरे राम का नाम आ गया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा एरिया? पंबन द्वीप वाला एरिया, वहां पे कौन सी जगह है? रामेश्वरम है। अंतिम स्थानों में से एक है भारत के, रामेश्वरम। कांचीपुरम कैलाश मंदिरों के लिए जाना जाता है, कैलाश मंदिरों के लिए। तंजावुर और कांचीपुरम की कंडांगी साड़ियां फेमस है, जिनको क्या मिला हुआ है? GI टैग भी मिला हुआ है। विशेष रूप से अगर तुम्हें कोई भी यूट्यूब चैनल वाला या कोई भी कराता होगा तो उसमें कांचीपुरम ही लिखा आएगा, कांचीपुरम की कंडांगी साड़ियों को GI टैग मिला, तंजावुर का नाम नहीं लेगा, लेकिन वो भी फेमस है। तंजावुर भारत में लोक के लिए, लोक समझते हो, ताला चाबी ताला, इनके लिए फेमस है। तंजावुर किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा राज प्रथम, राजा राज चोल, राजा राज चोल भाई, राजा राज चोल के द्वारा, राजराज चोल के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? राजराज चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। चोल साम्राज्य की बात हो रही है, चोल साम्राज्य के किसके लिए फेमस था भाई? युद्ध जीतने के बाद मंदिर निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? युद्ध जीतने के बाद मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण कौन सा राजवंश कराया करता है? युद्ध जीतने के बाद मंदिरों का निर्माण कराने वाला राजवंश कौन सा है? तो मंदिरों का निर्माण कराने वाला राजवंश है भाई, जितने भी युद्ध जीते आते उसके बाद ही टेंपल्स की फॉर्मेशन कराया करते, मंदिरों का निर्माण कराया करते। चोलों की शासनकाल की विशेषता क्या थी? चोलों के शासनकाल की विशेषता थी, एक तो यहाँ की लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस चोलों की मुख्य विशेषता थी। राजराज चोल ने क्या कर दिया था? श्रीलंका पर कब्जा कर दिया था, श्रीलंका पर कब्जा कर दिया था। क्या था चोलों की एक विशेषता? क्या थी भाई? स्ट्रॉन्ग नेवी, नौसेना का बहुत ज्यादा मजबूत होना, नौसेना का बहुत ज्यादा मजबूत होना। दो ही प्रमुख शासक होंगे, एक तो राजराज प्रथम है और दूसरा कौन सा है? राजराज चोल प्रथम के अलावा दूसरा है राजेंद्र प्रथम। कौन है भाई? राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगकोंडा चोलापुरम नाम की एक राजधानी बनाई थी, गंगकोंडा चोलापुरम नाम की राजधानी बनाई थी। जब गजनवी भारत पे 17-17 बार अटैक कर रहा होगा ना, हिंदुस्तान के ऊपर जब गजनवी ने 17-17 बार अटैक किए, उस समय पे गजनवी ने क्या कहा? गजनवी के साथ जो लड़का आता था उन दिनों में, ठीक है, गजनवी के साथ जो लड़का आता था, तहकीक के हिंद नाम की पुस्तक जिसने लिखी, जिसका नाम अलबरूनी था, अलबरूनी बोला भाई कि भारत का अगर कोई ताकतवर राजा है, जब 17 अटैक हमने देखे, भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा चोल राजा है राजेंद्र प्रथम। कौन है? राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल कहा जा सकता है चोल साम्राज्य को, और आजकल तो तुम साउथ की फिल्म देखते हो तो इससे बड़ी तो गोल्डन हिस्ट्री कोई है ही नहीं। ऐसा टाइम जब भारत ने श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया किसी को नहीं छोड़ा, सबको लपेट दिया, ठीक है, वो आपका याद रखना आपने, वो समयकाल किसका था? चोलों का, ठीक है। भारत, भारत की नेवी ना, जो आशियान के देश हैं, आज के दिन जो आशियान के देश हैं ना, मेरे को कई बार ऐसा लगता है अगर प्राचीन समय चल रहा होता ना, आशियान देशों का गठन क्यों, आशियान संगठन क्यों बना होता? चोलों से निपटने के लिए बना होता। इन सब की नाक में दम कर रखा था, किसने कर रखा था? चोलों ने, और जीत रखा था। तो चोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते भाई, और चोल कौन से धर्म के अंदर मानते थे? किस भगवान की पूजा किया करते? शैव धर्म की पूजा किया करते। भगवान भोले के भगत थे भाई, किसके भगत थे? भगवान भोले के भगत थे, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? देखो भाई, नटराज की मूर्ति, लॉर्ड शिवा, अगर आपसे पूछ ले नटराज की मूर्ति मिली कहाँ है, भगवान शिव, नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है, कहाँ की देन है, तो कांस्य मूर्ति आपकी कहाँ से मिली? नटराज की मूर्ति भगवान शिव से संबंधित है। CET के तुम्हारे पेपर में पूछा गया नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? भगवान शिव से। अच्छा, ये कहाँ पे मिली है आपकी? ये कौन सी सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य की बनी है भाई ये, तो आपको पता है कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कांस्य की मूर्तियां निर्मित करने का क्रेडिट हम किसको देते हैं? ये भी कौन सी डायनेस्टी को दिया जाता है? ये भी चोल साम्राज्य को दिया जाता है, चोल चेर पांडे।
चोल, चेर, पांड्य, जब इन तीनों को काउंट करोगे ना, इन तीनों को काउंट कर लोगे तो इनके साहित्य को क्या कहा जाता है? इनके साहित्य को कहा जाता है संगम साहित्य। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। चेर किसका पुराना नाम है? चेर केरल का पुराना नाम है। केरल का पुराना नाम क्या है भाई? चेर है। ठीक है, चेर, चोल और पांडे को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या बोला करते? संगम साहित्य। क्या बोलते थे? संगम साहित्य। पल्लव डायनेस्टी का मैंने आपको बताया था, सिंह विष्णु फाउंडर हैं, द्रविड़न कला की शुरुआत की थी, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, और उसके अलावा मैंने क्या बताया था, नरसिंह वर्मन नाम का शासक हुआ। अरे अब बताने की बात आई है, मैंने आपको बताया हर्षवर्धन को किसने हराया, हर्षवर्धन को हराने वाला भी था पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है, हनीमून मूवी देखना सर, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। अच्छा चलो भाई, बताते रहा करो मेरे को, क्लासेस व्लासेस से फुर्सत मिली तो कुछ ना कुछ कर जाऊंगा मैं, है ना। पल्लव वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था? मैं लिख देता हूं यहां पे, पल्लव वंश के शासक का नाम लिख देता हूं, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने कैलाश मंदिर बनवाए थे। कैलाश मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7। सप्त पैगोडा मंदिर कहा जाता है, सप्त पैगोडा। इसने एक उपाधि ली, कौन सी उपाधि ली? मेरी, मेरे ख्याल से तुम उपाधि से समझ जाओगे इसने कौन सा कारनामा कर दिया। इसने उपाधि ली वातापी कोंड। वातापी कोंड का मतलब होता है, कोंड का मतलब मार डाला, वातापी को मार डाला। कौन से राजा को हराया इसने? पुलकेशिन द्वितीय को डिफीट किया, पुलकेशिन द्वितीय को हराया, उसकी राजधानी वातापी पे कब्जा किया, उसकी हत्या कर दी, वातापी कोंड की उपाधि ली, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। हाँ ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सन टेम्पल, ओके भाई, ओके 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 ओके, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सोचते रहा करो, इतना सारा हमारे बारे में बहुत बहुत हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नटराज की मूर्ति होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है भाई? कर्नाटक। फिर से मैं आपको बता दूं, ये भी किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। कर्नाटक के अंदर अगर आप गोल्डन पीरियड पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा भाई? वो आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया गया, हरिहर और बुक्का द्वारा बसाया गया, बुक्का द्वारा बसाया गया हम्पी। हम्पी स्वर्ण युग होगा भाई, हम्पी सौपन युग। हम्पी जो शहर था वो एक सौपन युग के समान है, जो आपका किस समय पे बसा था? जो आपका विजयनगर एम्पायर के समय बसा था। ज़्यादातर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है, कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर है, वो भी आपका किस समय का है? विरूपाक्ष मंदिर भी आपका विजयनगर डायनेस्टी के टाइम का है। हम्पी आपका एक नदी के किनारे स्थित है, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा। और आप सारे जानते हो कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा जो नदी है, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी जो महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है, उसकी सहायक नदी का नाम है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा पे शहर है हम्पी। हम्पी को सौपन युग कहा जाता है, विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी। विजयनगर का निर्माण हरिहर बुक्का भाइयों ने किया था, जिसमें एक मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। क्या नाम है? विरूपाक्ष मंदिर। और होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण भी आपका भगवान शिव के लिए हुआ है। और कहाँ पे है ये मंदिर आपका? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, ये आपने ध्यान रखना है। सर ये सब शिव की मंदिर क्यों बनवाते थे? अरे भगवान बोले के भगत थे और क्यों बनवाते थे? अरे साउथ इंडिया में रियलिटी के अंदर, मतलब भगवान शिव के, विष्णु के, कृष्ण के, इनके मतलब अपार तरीके से आपको क्या पता चलेगा। 1984 में हम्पी को यूनेस्को में शामिल किया गया था ना सर? हाँ भाई ठीक है ठीक है, 1984 में हम्पी को शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की सूची में, हम्पी को शामिल कर लिया गया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? चट्टानों को काट के अजंता के अंदर जो गुफाएं बनाई गई, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो सिख धर्म से, सिख धर्म तो बाद में आया 15th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर आया है। ईसाई नहीं, ईसाइयों का नहीं है भाई, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के। ज़्यादा किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। ज्यादा किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। 1 से 12, 13 से 29, 29 से 34, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। आपके हिंदू धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं,
और आपके बौद्ध धर्म के भी हैं। किस किस के हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। औरंगाबाद के नजदीक है ये आपका, औरंगाबाद महाराष्ट्र के बिल्कुल नजदीक पड़ती है। कौन सी गुफाएं पड़ती हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं। आपको ये भी बता चुके हैं कि राष्ट्रकूटों का इनका निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा यह भी बता चुका हूं कि इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। इनमें जो चट्टान मंदिर है उसके बारे में बता दिया, संख्या कितनी गुफाओं की वो भी मैंने बता दिया, भाई 34 है, 34 है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा अगर वो किसी भी प्रकार से पूछने का प्रयास करता है, कैसा भी दुस्साहस आपके सामने करता है, मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे उसको। चलो अच्छा, ये पिछले वाला रह गया भाई, एक एलिफेंटा की गुफाएं। धन्यवाद भाई निरंजन जाटान, धन्यवाद मेरे भाई। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, या भगवान कौन से भगवान को, भगवान गणेश को? एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफाएं ये आपकी भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। आपको हो गया सारे भगवान शिव क्यों हैं तो सर क्यों करा रहे हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसको आगे कर दिया। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रोक कट आर्किटेक्चर है। देखो भाई आपसे क्या पूछा जाएगा, रोक कट आर्किटेक्चर। रोक कट आर्किटेक्चर कहां देखने को मिलता है? चट्टानों को काटकर बनाई गई बाघ की गुफाएं, ठीक है। ये अद्भुत नमूना है, और ये अद्भुत नमूना आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के अंदर, नर्मदा घाटी के अंदर विशेष रूप से ये गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। नर्मदा घाटी का नाम आया तो आपके माइंड में एक नाम पक्का आया होगा, भारत में जीवन का सबसे पुराना नमूना, भारत में जीवन का, जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य, सबसे पुराने साक्ष्य कौन से? इंडिया के अंदर लाइफ के सबसे पुराने साक्ष्य कौन से? भारत में जीवन का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? भारत में जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? ये आप सारे जानते हो, भी मध्य प्रदेश से मिले हैं, भीम बेट का, भीम बेट का। और भीम बेट का से कौन सी समय के? पैलियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? पैलियोलिथिक पीरियड के आपको एविडेंस मिलते हैं भीम बेट का गुफा में, पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और भीम बेट का की जो गुफाएं हैं ना, इनको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है साल 2003 के अंदर। यूनेस्को की सूची में भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया है? भीमबेटका के उसको शामिल किया गया है साल 2003 के अंदर। किस समय किया गया है? 2003 के अंदर। तो भाई नर्मदा घाटी के अंदर रॉक कट आर्किटेक्चर, बाघ की गुफा देखने को मिलती है। बाघ की गुफा आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है भाई। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसे एक बार टाइम टेबल बता दो, कौन सी क्लास का क्या टाइम है प्लीज भाई। सारे टाइम टेबल तो अभी मेरे को भी याद नहीं है, हाँ मेरी क्लास का टाइम टेबल मेरे को याद है भाई, 3 से 4। यूट्यूब का याद है 3 से 4, ये एक रात को 10 से 11 करंट अफेयर, 10 से 11 करंट अफेयर, 3 से 4 और 10 से 11 करंट अफेयर, ये टाइम टेबल मेरे को याद है। और बाकी तो भाई शेड्यूल आ जाएगा भाई तुम्हारे पास, वो देख लेना यार। एक मेरी खुद की 8-10 क्लास होती है तो मैं खुद का याद रख लूँ टाइम टेबल, बहुत हो जाता है मेरे भाई। सब का मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैंने आपको सलाह है कि कम्युनिटी के अंदर जाके उसको चेक कर लो, कौन कौन सी क्लास किस किस टाइम पे है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 3 से स्टार्ट है भाई, रात 11 बजे तक कंटिन्यू, हाँ 3 से 11 बजे तक कंटिन्यू है, हाँ ये बात सही है, 3 से 11 तक कंटिन्यू है, 3 से 11 तक कंटिन्यू है। ओके चलिए, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूतम, मेघदूतम आएगा भाई, मेघदूतम के लेखक कौन है? देखो विशाखदत्त की मैंने बता रखी है, मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस है, और कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम, ये दो बुक हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये दो बुक बता रखी है। चाणक्य की आप सबको पता है अर्थशास्त्र है, कौन सी है? अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ये बुक किसके? मेघदूतम कालिदास की, भारत का शेक्सपियर, संस्कृत भाषा के कवि जो किसके दरबार में रहा करते, किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते। कौन रहा करते? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और एक बात छोटी सी कहें तो कालिदास तो इसके आगे, मतलब शेक्सपियर तो इसके आगे चिंटू कैंडी टाइप था, बच्चा था। मेघदूतम कौन कौन सी है भाई? मेघदूतम, विक्रमोशीवरियम, विक्रमोशीवरियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविका, अग्निमित्रम, ऋतु सहारम, कुमार संभवम, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं भाई कालिदास की। ऋतु संगारम है, मेघदूतम है, विक्रमशिवरियम है, अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला जिसके बेटे भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उसके बेटे उसके पिता माता पिता के नाम पे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, उसके प्रेमिका का नाम था मालविका, मालविका और अग्निमित्र के नाम पे है, और एक कौन सी है भाई, कुमार संभवम है। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है चाणक्य कौटिल्य की, जिसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, कौन सा है, देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, सी पक्का है ना सर जी, हाँ सी तो पक्का है, सी तो पक्का है, हाँ। चलो ये आपने ध्यान रखनी है, बाकी बच्चे थे वो सारे के सारे, वो तो हमारे इतिहास की कुछ कमियां हैं भाई, नहीं तो ये सारे बच्चे थे। उस कवि का नाम बताओ भाई जिसने पृथ्वीराज रासो नामक की कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन मिलता है, नूर फतेह, मिर्जा उमेद, चंद्र बरदाई या वीर सिरोजा। अरे अब तो तुम फिल्म देख गए, अब तो तुम्हें ये बताने की जरूरत ही नहीं है, तुमने मूवी देख ली है, तुमने अक्षय कुमार का सब कुछ मतलब उस मूवी के माध्यम से देख लिया। पृथ्वीराज रासो कोर्ट पोएट थे भाई, दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था भाई, दरबारी कवि था, याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, चंद्र बधाई की पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब आप ध्यान दो, पृथ्वीराज चौहान ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे भाई, चौहान ने 1191, सबको याद होगा, 1192, त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का पहला युद्ध, ठीक है, त्राइन का पहला युद्ध भाई जिसमें चौहान ने गोरी को हराया, त्राइन का दूसरा युद्ध जिसमें इतिहास बदल गया भाई और भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई, भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना हो जाती है, इतिहास खुद को दोहराता है, बदल देता है, मुसलमान राजवंश की स्थापना भारत में होती है। अच्छा वही सुनना है ना, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान, ये किसके शब्द थे, किसके काल्पनिक शब्द थे, ये चंद्र बरदाई के काल्पनिक शब्द थे भाई। ठीक है, आपके प्रदीप पहल सर की, दोनों ले लो भाई, जब क्लास हम दो लगा रहे हैं करंट अफेयर की, तो दोनों ले लो, प्रदीप पहल सर की भी ले लो और मेरी भी ले लो, बेनिफिट मिलेगा। आपका पेपर कौन सा है पहले मेरे को ये बताओ, दोनों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दोनों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, फायदे मिलेंगे दोनों से, नुकसान कहीं से नहीं होता पढ़ने से। बीरबल जिसको 3-4 बार बकवास बनाता था उसको भी महान अकबर बोलती हिस्ट्री, बीरबल जिसको दिन में 3-4 बार बेवकूफ बनाता था उसको भी महान बोलते, यार हिस्ट्री महान बोलती क्योंकि वो महान हुए हैं। आप तो हिस्ट्री बीरबल को महान नहीं बोलती क्या, अरे हिस्ट्री बीरबल को महान नहीं बताती क्या, हिस्ट्री वही है जो लिखा जाए, आज मैं खुद के बारे में लिख दूं और तुम सबको खत्म कर दूं तो मेरी कमियां बताने वाला कोई थोड़ी बचा, गुणगान करने वाले सारे बच गए। तो इतिहास को इतना आसान नहीं है समझना, इस लेवल पे मत समझो, मतलब भगवान भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है, अगर आपका बुक कान स्वर्गल दे रखा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, भक्ति संत अंडाल का संबंध कई बुकों में वैष्णव दिया मिलता है, वो भगवान शिव से संबंधित है, किससे संबंधित है, शिव। मैंने सिर्फ इसलिए डाला, इसलिए मैंशन किया क्योंकि बुकों के अंदर मैक्सिमम बुकों के अंदर गलत दे रखा है, ज्यादातर बुकों के अंदर गलत दे रखा है भाई। संगम साहित्य, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, संस्कृत के अंदर, तमिल, कन्नड़ या तेलुगु। भाई देखो एक बात को समझो, संगम साहित्य का मतलब क्या है, चेर, चोल, पांड्य, केरल आज का आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चेर आपके केरल का था, चोल आपके कहाँ पे थे, तमिलनाडु, और पांड्य कहाँ पे थे, आंध्र प्रदेश। नोट करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, नोट करते रहने से, डेली डेली करंट अफेयर नोट करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो अब आप
जो बात आप कह रहे हो ना, मैं आपकी बातों के ऊपर आता हूँ, शायद हमारी कही हुई बातों का उससे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, मेरे को नहीं पता। अगर आप किसी पेपर में 50 नंबर की जीके लेके चल रहे हो और आप करंट अफेयर का सेशन को डेली के डेली लिख रहे हो, कुछ ऐसे कैलिबर के बंदे होते हैं जिन्हें 2 बार सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने 1 बार में ही पिक कर लिया, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं वो, और उनको कैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग मेहनती ज़्यादा हैं, तीन तीन 1 घंटे क्लास को 3-3 घंटे में लिख रहे हैं और फिर 2 घंटे उनको दोहराने में लगा रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है। लेकिन मैं आपको एक बात पक्का क्लियर कर देता हूँ, एक बात पक्का क्लियर कर देता हूँ कि भाई इस क्लास से आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मैंने अभी इस मंडे से क्लास लेनी स्टार्ट की है। एक सेशन ये 3 से 4 वाला, एक 10 से 11 वाला है। 3 महीने जो इन क्लासों को ले ले, जैसे एसएससी जीडी का पेपर, भाई एसएससी जीडी के पेपर में मैं गारंटी देता हूँ, एसएससी जीडी के पेपर तक जितना सिलेबस मैं करंट अफेयर के अंदर इस क्लास के अंदर कराऊंगा, अगर कोई वो कर लेगा तो आपके 60% नंबर कहीं नहीं गए। 60% इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ा बहुत पोर्शन साइंस का भी आता है, हाँ बाकी का पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। लोग चिल्लाते रहते हैं एसएससी ये करवा देगी, एसएससी वो करवा देगी, थोड़ा बहुत डांस फेस्टिवल का थोड़ा बहुत ऐसा हिसाब किताब कर रहे हैं वो, जो नहीं आता किसी को भी नहीं आता, कई बार सबका गलत होता है भाई। इसके अलावा कहीं से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सही तरीके से होगा। ये तमिल कवि हुआ करते भाई, संगम साहित्य किसको बोलते हैं, संगम का मतलब क्या है, चेल चेर चोल और पांडे इकट्ठे होया करते। कहाँ पे इकट्ठे होते थे, मदुरई नामक शहर, मदुरई जिसे मैंने त्योहारों की नगरी बताया था, वहां पे इकट्ठे हुआ करते। किस बात के डिस्कशन के लिए, चेर चोल पांडे वहां की जो लोकल इशू थे, वहां की जो सामान्य समस्याएं थी, उनको उनको डिस्कस करने के लिए आपस में इकट्ठे हुआ करते। और वो कौन सी भाषा में होती थी, तमिल भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर होती थी, तमिल भाषा के अंदर होती थी। सर ऐप पर भी ये क्लास होती है या नहीं, नहीं जो क्लास यहाँ होगी वो ऐप पे क्यों होगी भाई, डाल देखो जो बच्चा पूछ रहा है, अगर अंडाल अलावर अलवार आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा भगवान विष्णु, वैष्णव धर्म से। अंडाल अलावर का संबंध किससे होगा, भगवान विष्णु से होगा। लेकिन खाली अंडाल आ रहा है ना तो वो शिव धर्म से संबंधित होता है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने लिखवाया, उसमें अलावर मेंशन ही नहीं था, इसलिए मैंने कहा आपको चेन्नई या मदुरई, ना तंजावुर और मदुरई में आरती इकट्ठे, ऐसी 3 बैठकें होती हैं। तमिल कौन से में आरती, तमिल में। सर जी महाराणा प्रताप थे महान, हाँ बिल्कुल महान थे भाई, इतिहास के किसी भी व्यक्तित्व के बारे में हम गलत नहीं कहेंगे, अपने आप में महान थे, तभी आज हम नाम पढ़ रहे हैं भाई। हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कोई महान था या नहीं था, बिल्कुल महान थे, महानतम। आप महान कह रहे हो, मैं महानतम कह रहा हूँ। हाँ कुल 4 संगति हुई थी, अलवर विश्व धर्म से। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, पहला उभरने वाला, तो आपका पहला उभरने वाला शासक कौन था, राजा राज चोल। कौन था, राजा राज चोल। अगर कभी भी पूछ ले तो चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक का क्या नाम था, संस्थापक पूछे तो आपके चोल, प्रथम महत्वपूर्ण राजा राज, सेकंड आपके राजेंद्र, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण भी, सबसे महत्वपूर्ण भी कौन थे, राजेंद्र चोल सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, इस डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ठीक है। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता, विक्टर ऑफ गंगेज के नाम से जाना जाता है, गंगकोंडा चोलापुरम। मैंने आपको उपाधि भी लिखवाई थी, गंगकोंडा चोलापुरम, गंगकोंडा चोलापुरम के नाम से उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और आपको ये भी लिखवाया था मैंने कि तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक में एक पॉइंट लिखवाया था, तहकीक ए हिंद पुस्तक में भारत का महानतम शासक किसको बताया गया, भारत का महानतम शासक बताया गया है, हिंदुस्तान का महानतम शासक किसको बताया गया है, वो किसको बताया गया, राजेंद्र फर्स्टम को, ठीक है। तहकीक-ए-हिंद किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम है अलबरूनी की बुक का, तहकीक-ए-हिंद इसका नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। गंगकोंड चोलापुरम या गंगा नदी के विजेता, आ तो गया यार ये, आ गया फिर से, गंगकोंड चोलापुरम की उपाधि किसने ली थी, राजेंद्र फर्स्ट ने। वह कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव व चालुक्य द्वारा सम्मिलित था, अच्छा 2-3 ही रह गए भाई। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव व चालुक्य द्वारा शामिल था, विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज मेनली रूल्ड बाय पल्लवाज एंड चालुक्याज,
चालुक्य और पल्लवों ने भारत के कौन से हिस्से पे रूल किया? नॉर्दर्न पे रूल किया, साउदर्न पे रूल किया, ईस्टर्न पे रूल किया या वेस्टर्न पे रूल किया? लाइक ये इसके आंसर में भी अटक रहे हो क्या? इसका भी नॉर्दर्न इंडिया दे रहे हैं कहीं है? साउदर्न इंडिया दक्षिण भारत में। हिस्ट्री में मुगलों का क्या, मुगलों को हटाकर अपना हिंदू राजा के बारे में पढ़ा सकते हैं क्या भाई? मुगल भी सत्ता का हिस्सा थे, उन्होंने भी सत्ता भोगी है सर, ऐसा संभव नहीं है। जिसने जिस समय सत्ता भोगी उसी को पढ़ा सकते हो। महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, छोटा मंदिर कौन सा था? द्रौपदी रथ मंदिर, द्रौपदी रथ मंदिर। बड़ा रथ मंदिर कौन सा था? बड़ा था आपका युधिष्ठिर। और इन 7 मंदिरों को क्या कहा जाया करता? इन्हीं 7 मंदिरों को, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को क्या कहते थे? सप्त पैगोडा। क्या कहा करते भाई इनको? सप्त पैगोडा टेम्पल कहा करते हैं। सप्त पैगोडा मंदिर के रूप में इसे जाना जा रहा था, सप्त पैगोडा रूप में के इसे जाना जा रहा था। नरसिंह वर्मन के समय में इनको बनाया गया था, नरसिंह वर्मन के समय में इनको बनाया गया था। नरसिंह वर्मन कौन सी डायनेस्टी का राजा था? नरसिंह वर्मन आपका पल्लव डायनेस्टी का राजा था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये अभी भी जीवित है, सोनम गुप्ता बेवफा है। मैं तो वहां लॉकडाउन के साथ निपट गया होगा है। ये कौन शहर आ गया पता नहीं भाई, देखो कौन शहर आ गया। हो गए भाई, ये लास्ट थे हमारे क्वेश्चन, खत्म हो गए हैं, दैट्स इट। चलो यहाँ तक कर लेना, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे भाई। आज आज तो टाइम रहते क्वेश्चन हो गए भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं 10 से 11, बाय।